रांची का मौसम एक बार फिर चेंज हो चुका है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बारिश होने वाली है, यानी कि दोपहर के 3 बजे जिस टाइम इतनी शदीद गर्मी होती थी, आज मौसम देखे जरा कैसा है। बारिश हो गई शुरू। लो जी गर्मी की, आज हुई गर्मी खत्म और हो गई आज मजे की तेज वाली बारिश अल्हम्दुलिल्लाह। आर्या भी बारिश एंजॉय करने के लिए निकल चुकी हैं। आर्या लिफ्ट नहीं कराती जब आर्या बाहर निकल जाए तो लिफ्ट नहीं कराती आर्या आर्या बारिश हो रही है आर्या बारिश हो रही है, कहाँ जा रही हूँ? अच्छा जाओ मजे की बारिश हो रही है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैंने सोचा आज पकौड़े नहीं बनाते क्योंकि अब बारिश इंशाल्लाह होती रहेगी तो पकौड़े भी बन जाएंगे, लेकिन आज मैं बनाऊंगी पिज्ज़ा, चिकन टिक्का पिज्ज़ा, क्योंकि सब चीज़ें तैयार है तो मैंने सोचा कि पिज्ज़ा ही बना लेती हूँ। तो मैं ले रही हूँ ये और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून शुगर और इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक और उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, इसका ये पूरा पैकेट और इसमें हम अपना अपना ऑलिव ऑयल, देखिए ऑयल खत्म हो गया, ये डालेंगे इसमें ऑलिव ऑयल, खत्म ही हो गया बहुत ज़्यादा देर मैंने डो नहीं रखी है, मैंने सिर्फ 1/2 घंटे के, लेकिन अच्छी खासी सही हो गई है, बिल्कुल सही।
थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था सो मैंने वो हटा दिया। इसमें हम थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। अच्छा चीज़ तो थोड़ी नहीं, जितनी ज़्यादा हो उतनी मज़ा आता है। चिकन टिक्का मैंने बना के रखा हुआ था तो वही हम इसके अंदर लगा देंगे। मशरूम्स, क्योंकि मुझे मशरूम्स बहुत पसंद है। ऑमलेट भी, मशरूम ऑमलेट भी पसंद है। अच्छा वैसे नहीं मैं कोई खाती, लेकिन मुझे मशरूम ऑमलेट पिज़्ज़ा में पसंद है। शिमला मिर्च वगैरह प्याज बस ऐसे रफली काट ली थी जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश, असल मकसद तो बारिश इंजॉय करना है। अब इसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोबारा काफ़ी सारी डाल दूँगी। मैं ब्लैक ऑलिव डालती हूँ मैं, लेकिन ब्लैक ऑलिव्स हो गए ख़त्म तो मैंने सोचा कोई बात नहीं ग्रीन डाल देते हैं। लगती है इसमें हम ऑरिगानो डाल देंगे, कुटी भी लाल मिर्च। ये है मेरा एयर फ्राई, इसमें ये रख देंगे ये हम, इसको स्टार्ट करेंगे, इसके मेन्यू में जाएंगे। अच्छा जी ये देखें जी, पिज़्ज़ा हो गया है हमारा तैयार। ये देखें, निकालती हूँ इसे ज़रा, ये देखें तेज बारिश रुक गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। माशाल्लाह से 7 बज रहे हैं और इतना प्यारा मौसम हो रहा है और पिज़्ज़ा हमने खा लिया है। और पिज़्ज़ा खाने के बाद मेरी अम्मी ने बनाई बड़े मज़े की चाय और मैं लेके आ गई हूँ चाय बाहर, और मैंने कहा मैं यहाँ चाय पीऊँगी आराम से। बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। अच्छी खासी गर्मी थी और उसके बाद इतनी प्यारी रहमत अल्लाह ने बरसाई। अब यकीन जाने के घरों में मुझे लगता है सब ने ही, अब तो फ़ैन भी नहीं चल रहे, एसी तो दूर की बात है, कि इतनी प्यारी अच्छी हवा आ रही है। तो हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, और बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक हम सबको अपना शुक्र गुज़ार ही बनाए, क्योंकि यही है ज़िंदगी कि सब्र करना है और शुक्र करना है। जितना सब्र करेंगे, जितना शुक्र करेंगे अपने रब का, उतना ही सारी मुश्किलें आसान होंगी। दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से जो है नेमतें नसीब होंगी, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, और आखरत में भी। तो बस अल्लाह पाक हम सबको सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। और ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है, मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आया। बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती थी, सब्र नहीं करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं वक्त के साथ साथ, अल्लाह पाक ख़ुद ही आपके दिल में ये सारी चीज़ें डालता जाता है। और मैं बहुत अल्लाह पाक ने करम किया है, जो चीज़ें उस हम सब ने एक दिन चले जाना है, जो उन्होंने अल्लाह को जो जो वक्त जिसका लिखा होता है उसने चले जाना है, हमने भी चले जाना है। और अल्लाह का एक वादा है कि जो चीज़ अल्लाह लेता है अल्लाह पाक उससे बेहतर देता है। तो मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। बस अल्लाह पाक ने जो मेरे नसीब में है बस वो अल्लाह पाक अच्छा करे, और मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और जो चले गए हैं इस दुनिया से उनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक उन पे अपना खुसूसी करम करे, उनकी मुश्किलें आसान फरमाए, उन पे अपना रहम अता फरमाए। और
बस तो ये थी मेरी एक वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।